हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर टेक। और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं रिविरा के ये ईयरफोन्स। मॉडल नंबर है RMB07, प्राइस है 700 रुपए के अराउंड, और जो फीचर्स हैं वो दिए गए हैं भरपूर। अगर हम मेजर ब्रांड्स की बात करें तो यही फीचर है वो 1500 रुपए के अंदर भी नहीं दे पाते हैं, जो कि रिविरा अपने को दे रहा है लगभग 700 रुपए के अराउंड, इनफैक्ट 700 से भी कुछ रुपए कम में। और ब्रांड है वो है 1997 से, मेड इन इंडिया है। इसके अलावा इसमें आपको कुछ यूनिक फीचर है वो भी देखने को मिलेंगे, जो अदर ब्रांड्स के ईयरफोन्स हैं उनमें नहीं आते हैं। और सबसे मेजर हाईलाइट है वो है बैटरी बैकअप, जो की है 50 घंटे तक का, और वो भी सिर्फ 700 रुपए में। तो इस चीज को है वो हम टेस्टिफाई करेंगे आगे वीडियो में। वीडियो थोड़ा लेट जरूर हो गया है, लेकिन आगे से वो वीडियो अब प्रॉपर आएंगे टाइम टू टाइम। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल वो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आगे देखिए इसकी डिटेल अनबॉक्सिंग। तो ये है अपने पास रिविरा RMB07 का बॉक्स। तो सबसे पहले तो करते हैं हम इसकी सील है उसको ब्रेक, और उसके बाद में हम देखते हैं वीडियो को आगे और उतारते हैं इसका ये प्लास्टिक। बॉक्स की डिजाइन है वो कुल मिला के ठीक है, थोड़ा सा बॉक्स ज्यादा ही बड़ा है। उसके अलावा जो मेन हाईलाइट है वो है 50 आवर्स का म्यूजिक प्ले टाइम। उसके अलावा हम ब्रांड की बात करें तो 97 से है वो काम कर रहा है, प्राउडली मेड इन इंडिया है। और उसके अलावा हम यहाँ बात करें ब्लूटूथ की, तो ब्लूटूथ है वो है वर्जन 5.1, और मैग्नेटिक ईयरफोन है उनके साथ ये हमें मिलता है। उसके साथ में हमें मिल जाता है एक फ्री वेलवेट बैग इसको कैरी करने के लिए। और सबसे यूनिक फीचर है वो है TF कार्ड स्लॉट, मतलब SD कार्ड है उसको हम इसमें डायरेक्ट इंसर्ट करके म्यूजिक सुन सकते हैं बिना फोन और बिना किसी और अदर डिवाइस के। बात करें इसके पीछे की साइड में कुछ और डिटेल्स हैं वो दी गई हैं, मल्टीफंक्शन बटन दिया गया है, उसके अलावा वॉल्यूम प्लस माइनस के बटन हैं वो दिए गए हैं, और माइक है, लाइट है, दोनों चीज एक साथ दिए गए हैं, और लेफ्ट राइट का इंडिकेशन है। मॉडल नंबर दिया गया है RMB07, थोड़ा सा नजदीक से आपको दिखाता हूँ। उसके अलावा ब्लूटूथ वर्जन 5.1 है, म्यूजिक प्ले टाइम है वो है अप टू 50 आवर्स, और टॉक टाइम है वो है अप टू 56 आवर्स, और स्टैंड बाय टाइम है वो है 250 आवर्स का। फुल चार्ज होने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा 3.5 आवर्स, और चार्जिंग टाइप है वो है माइक्रो USB। हालांकि अगर USB टाइप सी होता तो और मजा आता, और बैटरी की जो कैपेसिटी है वो भी दिखा रखी है, 280 mAh की बैटरी है, और 10 मीटर तक की है वो वायरलेस रेंज है। उसके अलावा इसकी कुछ और एसेसरीज हैं ब्रांड की, तो वो नीचे है वो हमें दी गई हैं, और ये कुछ मैनुअली काम किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग है वो कब का है और कलर कैसा है, ये पेन से है वो टिक मार्क किए गए हैं। यहाँ कुछ और चीज़ें लिखी हुई हैं, जो कि लिखा हुआ है नंबर वन ब्रांड इंडिया 2017, मतलब 2017 की ब्रांडिंग वो ये 2022 में कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। और नीचे वाला तो मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है वो 2016 का दिया गया है, मतलब पुरानी चीज़ें हैं वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ये। तो चलो इसको निकालते हैं, और वाव, जैसे कोई ज्वेलरी का बॉक्स हो वैसे एकदम, और काफ़ी बड़ा है वो दिया गया हमें ये वेलवेट बैग, और नीचे खाली है ये भी, तो मतलब सारा जो गहना है वो इसी के अंदर है। तो इसको निकालते हैं, थोड़ा सा वेट ज़रूर मुझे इसमें लग रहा है, बाकी ये है एकदम खाली। और वेलवेट की क्वालिटी की बात करूँ ठीक है, अच्छा है, और यहाँ रिविरा की ब्रांडिंग दी गई है, तो इसको भी रखते हैं हम साइड में। और ऊपर हमें यहाँ मिल जाता है एक USB A to माइक्रो USB वाली केबल ऑरेंज कलर में, और इसको रखते हैं हम यहाँ एक बार साइड में। उसके अलावा हमें यहाँ मिलते हैं ये एक अपनी मेन डिवाइस, तो फ्लेक्सिबिलिटी अगर चेक करूँ तो एकदम नॉर्मल है, बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी है, घूमने में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बड्स की बात करूँ मैं इनकी, तो बड्स हैं वो एकदम लाइट वेट है, मतलब कुछ ज़्यादा ही लाइट है ये, इतना लाइट भी डाउटफुल है। और मैग्नेट है वो काफ़ी शानदार है, मैग्नेट अच्छे से काम कर रही है, लेफ्ट राइट का इंडिकेशन है वो दिया गया है। और अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें, मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाता हूँ, और ये देखिए आप, कुछ प्लास्टिक है वो कुल मिला के अच्छी क्वालिटी का है। यहाँ हम बात करें तो यहाँ माइक्रो USB का हमें स्लॉट दिया गया है इसको चार्ज करने के लिए। इसके अलावा यहाँ हम अपना SD कार्ड लगा सकते हैं, और हालांकि इसमें ये नहीं मेंशन किया हुआ है कि कार्ड है वो कितने GB तक का है वो ये एक्सेप्ट करेगा। यहाँ इसके बटन दिए गए हैं प्लस माइनस और पावर ऑन ऑफ, प्ले पॉज, कॉल अटेंड के लिए, तो बटन है वो मुझे थोड़े अच्छे नहीं लगे। हालांकि ये जो बटन है आप साउंड सुन सकते हो, सही सुन रहा है, लेकिन ये थोड़े से अंदर दबे हुए हैं, इनको प्रेस करने में थोड़ा सा अपने को मतलब जोर आएगा, और
बस कुछ ऐसा ही है इनका हिसाब किताब। लेफ्ट साइड है यहाँ पे रिवीरा की ब्रांडिंग है RNB07। दिखने में एकदम सोबर है, कोई फनकी डिजाइन नहीं है, एकदम नॉर्मल है। अब बात करते हैं इसको यूज की और पेयर करके। तो सबसे पहले हम इसको ऑन करते हैं और लाइट जल गई है और कलर चेंजिंग हो रहा है, तो पेयरिंग मोड में है। तो अब हम इसको पेयर करते हैं एक बार अपने फ़ोन से, और पेयर करने के बाद में हम देखेंगे इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो कैसी है। उसके बाद में मैं इसका रिव्यू करूँगा कि जो वाकई में 50 आवर्स का टॉक टाइम है वो मिलता है या नहीं मिलता है, म्यूजिक क्वालिटी कैसी है, वो सारी चीज़ें वो हम आगे टेस्ट करेंगे। और ये हो चुका है कनेक्ट, तो अब हम इसमें एक बार कोई भी म्यूजिक है वो प्ले करते हैं। प्ले करने के बाद में हम देखते हैं साउंड बाहर है वो कितना आ रहा है, और उसके बाद में हम आगे चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो साउंड है वो बाहर आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसको कवर करेंगे फिर भी थोड़ी थोड़ी आवाज़ है वो बाहर की तरफ आ रही है। और बात रही इसके क्वालिटी की, तो वो मैं आपको देख दिखाता हूँ कि इसकी जो कंफर्टेबल लेवल है वो क्या है और म्यूजिक क्वालिटी है वो चीज़ क्या है। दोनों चीज़ें हम आगे वीडियो में देखेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल वो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कर लिया हमने इसको पेयर, और आप लगाते हैं इनको कानों में और देखते हैं कि ये जो बड्स है ये कितने कंफर्टेबल है। और एकदम सॉफ्ट है और कंफर्टेबल है, आराम से है वो, एकदम फिट हो गए हैं। साइज का मेरे इसमें कोई इश्यू नहीं है, और एक्स्ट्रा ईयर बड्स हैं इसके साथ वो नहीं आते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा टिप्स चाहिए तो आप अलग से आपको मैनेज करने पड़ेंगे। अब मैं इसमें एक बार साउंड है वो प्ले करके देखता हूँ कि कैसी है वो इसकी साउंड आती है। लगभग 50% वॉल्यूम पे मैं इसको अगर चेक कर रहा हूँ तो साउंड इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन काम चल सकता है। और 80% तक है वो, मैं कुछ बोल रहा हूँ मुझे महसूस हो रहा है कि मैं बोल रहा हूँ, और जैसे मैंने 100% किया अब मैं जो बोल रहा हूँ मुझे सुनाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी। और दूसरी चीज, थोड़ा सा बास कम है, ट्रेबल ज्यादा है इसके अंदर, तो उस वजह से जो मेन जो क्वालिटी है जो आनी चाहिए वो इसमें नहीं आ रही है। मतलब म्यूजिक क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। TF कार्ड लगा सकते हैं, ये एक अपने पास ऑप्शन एक्स्ट्रा है। बैटरी बैकअप वो अच्छा है, मैंने इसका ऑडियो टेस्ट किया है कॉलिंग पे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एकदम प्रॉपर चल रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसकी तो ये एकदम आराम से है, वो फिट हो जाते हैं कानों में, और जैसे हम ऐसे ऐसे करते हैं तो बाहर भी है वो नहीं निकलते हैं, तो आराम से स्पोर्ट्स मोड में भी ये काम में दे सकते हैं। हालांकि IP4 रेटेड इनकी नहीं है, तो 700 रुपये में मेरे हिसाब से अच्छा है। म्यूजिक क्वालिटी ऐसे नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही घटिया है, एवरेज म्यूजिक क्वालिटी है, और इस रुपये में इतने ही हमें शायद मिल सकती है। जितने ये दे रही है वो शायद मैक्सिमम दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं। बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नीचे जो लाल सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिए, अभी दबा दीजिए जल्दी से। थैंक यू, टाटा बाय बाय।